मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक पर पेशाब करने का वीडियो वायरल होने पर आदिवासी संगठनों में आक्रोश का माहौल पनप रहा है। बुधवार को मुख्यालय पर आदिवासी संगठन जयस, आदिवासी एकता परिषद और भीम आर्मी के बैनर तले आदिवासी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने आरोपी प्रवेश शुक्ला और मनुवाद का पुतला दहन कर सरकार पर निशाना साधा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। जयस संरक्षक राजेंद्र सिंह पवार, जीतू सुभाष पटेल ने कहा कि आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाला व्यक्ति सीधी विधायक का प्रतिनिधि है जो सीधे सरकार से जुड़े हैं। यह बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। इससे प्रदेश सरकार की आदिवासियों के प्रति मानसिकता उजागर होती है। आज भी भाजपा नेता मनुवादी परंपराओं पर चल रहे हैं। आदिवासी दलितों पर अत्याचार आम बात हो गई है। जयस ने इस मामले में आरोपित की गिरफ्तारी पर लगाई गई धाराओं पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन शासन के दबाव में काम कर रहा है। आरोपित को बचाने का प्रयास करते हुए बेहद मामूली धाराएं लगाई है। इसके लिए प्रदेश सरकार के गृह मंत्री भी दोषी है जो बार बार आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर मौन है। दोषियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं होने से आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। मांग है कि जो प्रदेश में आदिवासियों, दलितों, मजदूरों, गरीबों को सुरक्षा नहीं दे सकते, ऐसे गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। सीधी जिले में एक विधायक प्रतिनिधि जो आवेश शुक्ला है, उसके द्वारा हमारे आदिवासी भाई के ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया है और आदिवासी समाज, आदिवासी संगठन खरगोन जिले से उसका पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में होती आ रही है। तो हम चाहते हैं इनके जितने भी आईपीएस आईएएस है, जो कलेक्टर है, वो भी भाजपा विरोधी बैठे हुए है। अभी हमारे यहाँ खरगोन जिले में जो रेटवा की घटना हुई है, उसमें पूरा प्रशासन वहाँ पर लिप्त है और अपराधी और उस शराब माफिया का संरक्षण दे रहा है। तो हम चाहते हैं मध्य प्रदेश से, खरगोन जिले से सामाजिक संगठन कि ऐसे अपराधी के ऊपर रासुका लगाना चाहिए और अन्य अन्य धाराओं से उसके घर पे बुलडोजर चलाकर उसको धराशायी करना चाहिए। मेरा नाम है सुभाष पटेल, आदिवासी एकता परिषद जिला अध्यक्ष खरगोन मध्य प्रदेश। आज विरोध जताया क्या है? यह घटना मध्य प्रदेश के सिंधी जिले की घटना है, जहां पर भाजपा विधायक के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला के द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब की गई, जो कि बहुत ही निंदनीय और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। हमारी यही मांग है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उस पर रासुका लगा जाए और एसटीएससी एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाए और सिंधी जिले में उस अपराधी का जुलूस निकाला जाए। हम आए दिन देखते हैं एसटीएससी और माइनॉरिटी के लोगों के द्वारा पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। ये भाजपा सरकार के द्वारा एसटीएससी और महिलाओं पर आए दिन अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे। ये सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय अपराधियों का संरक्षण कर रही है। तो हमारी यही मांग है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और उस पर एसटीएससी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द रासुका लगाया जाए और उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। ये पीड़ित परिवारों के घर पर बुलडोजर चला दिए, लेकिन देखते हैं हम भाजपा सरकार उसके प्रतिनिधि के ऊपर उसके घर पर बुलडोजर चलाती है या नहीं चलाती है। मेरा नाम जीतू वर्मा है, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष। ये जो है सीधी जिले के भाजपा विधायक केदार शुक्ला जी के विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला के द्वारा आदिवासी युवक के ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया, जिसका सोशल मीडिया में आप सब लोगों ने देखा होगा। जो भाजपा के लोग हैं वो आदिवासियों के ऊपर इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं, इससे उनकी मानसिकता परिलक्षित होती है कि इनको क्या ट्रेनिंग दी जाती होगी। कार्रवाई की है, सोशल मीडिया पर आप लोग देख सकते हैं एफआईआर में कैसी धाराएं अंकित की गई है। और हमारा आदिवासी समाज को तो ऐसा मानना है कि भाजपा के सरकार में आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी जब से गृह मंत्री बने हैं, लगातार आदिवासियों पर अत्याचार की बढ़ते जा रहे हैं, चाहे नीमच की घटना हो, चाहे
मनावर की घटना हो, चाहे मऊ की घटना हो, चाहे बिस्तान थाने की घटना हो, चाहे रेटवा की घटना हो, आदिवासियों पर अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारा ऐसा मानना है कि गृह मंत्री पूरी तरीके से आदिवासियों को संरक्षण देने में फेलियर है। संगठन मांग करता है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उनको कानून सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आरोपियों के द्वारा उनके एफिडेविट लिए गए हैं, दबाव में उनसे एफिडेविट फर्जी लेकर सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं। अतः प्रशासन उनको सुरक्षा मुहैया करे और 1 करोड़ का मुआवजा प्रदान करे। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन, जय भीम आर्मी, आदिवासी एकता परिषद, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त संगठनों का प्रतिनिधित्व है इसमें। आगे जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर व्यवस्थित कार्रवाई, जैसे कि अन्य आरोपियों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज जो सीधी में है वो स्वयं अब बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करेगा, चाहे प्रशासन हमको जेलों में डाल दे। पुलिस प्रशासन जो है FIR करने से ही हमको प्रतीत होता है कि वहाँ का प्रशासन उनके कितने दबाव में है। ये भाजपा के नेताओं के दबाव में कार्य करने वाले लोग हैं, ये आम जनता को सुरक्षा और सुशासन नहीं दे पा रहे हैं। राजेंद्र सिंह पवार, जयस प्रदेश कोषाध्यक्ष, मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।